हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी M13 5G फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी M13 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में कलर करेक्शन सेटिंग है, तो कलर करेक्शन सेटिंग्स के ज़रिए आप स्क्रीन कलर्स वगैरह को चेंज कैसे कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप स्क्रीन कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी M13 5G फ़ोन में, और इसका यूज़ कर सकते हैं कैसे कलर को चेंज करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। फिर आपको जाना होगा सेटिंग्स पे, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे स्क्रीन कलर्स वगैरह को आप चेंज कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी M13 5G फ़ोन में, और कलरिंग को कैसे बदल सकते हैं। तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, तो आपको यहाँ से स्लाइड करना है और एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स पे चले जाना है। तो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स पे जाते हैं तो आपके फ़ोन में इसके ज़रिए कलर करेक्शन सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपके पास ये ऑप्शंस आते हैं, विजिबिलिटी एनहांसमेंट, जहाँ से कलर करेक्शन सेटिंग्स आ जाएगी। जो भी आप कलर्स वगैरह को चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और कलरिंग को भी बदल सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में। तो देख सकते हैं जो भी कलरिंग आप चेंज करना चाहें तो कर पाएंगे, और आप देख सकते हैं कि आपके पास ये ऑप्शंस आ गया है। तो सिंपली ऑन करके जो कलरिंग आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। स्क्रीन को ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं, ब्लू एंड येलो भी कर सकते हैं, एंड रेड एंड ग्रीन कर सकते हैं। इसे कलरिंग आपका कुछ इस तरीके से हो गया है, एंड आप इस तरीके से कलरिंग को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, और ऑफ करते हैं तो कलर प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और नॉर्मल कलर स्क्रीन पे शो करेगा। तो इस तरीके से स्क्रीन कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी M13 5G फ़ोन में, और आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना।